नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बाल हृदय योजना का सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ, 21 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 21 ऐसे बच्चों को अहमदाबाद भेजा गया जो बच्चे हृदय रोगी हैं या जिनके दिल में छेद है। सरकार की ओर से इन बच्चों के साथ इनके अभिभावक को भी अहमदाबाद भेजा गया। इनके पटना से अहमदाबाद जाने, वहां ठहरने, इलाज कराने और फिर वापस पटना लौटने का इंतजाम सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत बाल हृदय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इस दौरान 21 बच्चों और उनके अभिभावकों को 2 इलेक्ट्रिक बसों से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाकर बस को एयरपोर्ट के लिए रवाना किए। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी को अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। बाल हृदय योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अहमदाबाद में इलाज कराने के बाद जब ये बच्चे पटना लौटेंगे तब हम इन बच्चों से मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार इस योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग और मंत्री मंगल पांडे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय कदम है, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बिहार में कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 662 नए मरीज, 3 महीना पहले जैसे बने हालात। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में बिहार में कोरोना महामारी के 662 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को साल का सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। बिहार में तकरीबन 2.5 महीने के बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक दिन में सर्वाधिक 662 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके पहले 29 दिसंबर को 622 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। शुक्रवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2363 हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सूचना के अनुसार सुबह में 63,846 सैंपल की जांच की गई, जबकि 204 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हुए। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। जान ले रहा है नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, पानी भरते ही ध्वस्त हुई नल जल योजना की टंकी, दबकर 1 की मौत, 3 घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय हर रोज बिहार में फैले भ्रष्टाचार की नई कहानी सामने ला रहा है। रोहतास जिले के नौखा इलाके के रामनगर गाँव में एक और बानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत बनी पानी टंकी जैसे ही पहली दफे पानी भरा गया वह ध्वस्त हो गया। टंकी के मलबे से दबकर 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। शुक्रवार को उसका ट्रायल किया जा रहा था। दोपहर के करीब 12 बजे जैसे ही टंकी में पानी भरा गया वैसे ही पूरी टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। पानी की टंकी ऐसे ध्वस्त हुई जैसे रेत की दीवार गिरती हो। रामनगर गांव में जब पानी की टंकी चालू हो रही थी तो कई लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि टंकी के चालू होने से गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार ने जान ले ली। ध्वस्त हुई टंकी की चपेट में आने से रामनगर के रहने वाले 62 साल के काड़ीलाल चौधरी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं रामनगर गांव के ही पवन चौधरी के 22 वर्षीय बेटे दीपाली कुमार, अंबिका चौधरी के 14 वर्षीय बेटे मनीष कुमार उर्फ मिस्टर और मृतक काड़ीलाल चौधरी के 18 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। शराब से 21 की मौत के बाद नीतीश अनजान, 4 दिन बाद बोले अभी पता करा रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कितने भोले हैं मुख्यमंत्री। होली में जहरीली शराब से बिहार में 21 लोग की मौत की खबर के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले की पक्की खबर नहीं है। वाकये के 4 दिन बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि वे मामले की जानकारी ले रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि नीतीश कुमार कितने भोले और अनजान हैं। बिहार में जहरीले शराब से मौत के मामले में मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा था। नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारीगण हैं हमने उनसे पूछा था। ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से कुछ भी लोग गए हैं, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है इसीलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है। वो एक एक चीज़ को देखेगी, एक एक चीज़ का पता लगाएगी और हर चीज़ पर जो जरूरी कार्रवाई हो वह करेगी। उधर जहरीली शराब से मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने पूछा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने भोले और अनजान हैं।
ट्विटर पर तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में चार दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से 19 मौतें हो जाती है, लेकिन सीएम अभी भी जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। इतना विचित्र है ना, कल्पनाएं करिए सीएम की नज़र में बिहार के नागरिकों के जीवन की क्या कीमत है। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए दो शिक्षकों ने की मारपीट, डीईओ के सामने एक दूसरे को पटक पटक के मारा। बिहार के कटिहार जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए दो शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने ही भिड़ गए और उन्होंने एक दूसरे को इतना मारा कि कुर्सी भी टूट गई। शिक्षकों के दंगल को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई। कटिहार के डीईओ ने जैसे तैसे समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की है, जहां कुड़िया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दो शिक्षक प्रिंसिपल बनने के लिए आपस में ही भिड़ गए। दोनों ने जमकर मारपीट की। कुर्सी की लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सी भी तोड़ डाली। हैरानी की बात तो यह है कि जब ऐसा चल रहा था तब वहां कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कुड़िया गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल नीलम कुमारी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी निरंजन कुमार चौधरी भी शामिल होने पहुंचे थे। विदाई समारोह खत्म होने के दौरान प्रधानाध्यापक का पद वरीय शिक्षक को देने की बात चल रही थी। इसी दौरान शिक्षक मृत्युंजय कुमार यादव ने दूसरे शिक्षक सुमन कुमार यादव का विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और जमकर मारपीट हो गई। बिहार में मुखिया के लिए बुरी खबर, जल्द होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन इस बार नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन। बिहार में मुखिया का चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के भी चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पहले सैकड़ों मुखिया और वार्ड सदस्यों को करारा झटका लगा है। बिहार सरकार ने कहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इस बार कई मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। शुक्रवार को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जल्द ही चुनाव की तारीखों के ऐलान भी हो जाएंगे, लेकिन इस बार कई ऐसे मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य हैं जो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेंगे। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 2016 का पंचायत चुनाव लड़ने के बाद खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया है, वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विभाग की ओर से पहले भी जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई थी। मंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर बिहार सरकार से जो भी सहयोग मांगेगा, बिहार सरकार उसे मुहैया कराएगी। अब बिहार में सफर करना हुआ महंगा, प्राइवेट के बाद अब सरकारी बसों का भी बढ़ेगा किराया। अब बिहार में सफर करना और महंगा हो गया है। प्राइवेट के बाद अब इसी माह से सरकारी बसों का किराया भी बढ़ने वाला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दे दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में डीजल से चलने वाले सरकारी बसों का किराया बढ़ाया जाएगा, जिसका बोझ आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकारी बसों के किराए में कितने की वृद्धि होगी, यह किराया निर्धारण कमेटी तय करेगी। इसके लिए जल्द ही कमेटी की बैठक होगी और तय किए गए दर को अप्रैल में ही लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में निगम के अधीन कुल 380 बसें हैं, जिसमें से 360 बसों का परिचालन अभी भी हो रहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकारी बसों का किराया बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया है, उसके तहत निगम द्वारा प्रस्ताव राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाता है। इसके बाद किराया निर्धारण कमेटी की बैठक में तय होता है कि बसों का किराया कितना बढ़ाया जाए तो निगम और यात्री दोनों के लिए सही हो। हर मामले पर विमर्श के बाद बसों का किराया बढ़ाया जाता है। 5 अप्रैल को BSEB जारी करेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, कई टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। 5 या 6 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने की संभावना है। रिजल्ट को फाइनल टच देने की तैयारी में बिहार बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर टॉपर का इंटरव्यू ले रही है। शुक्रवार को भी कुछ स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसमें पब्लिक हाई स्कूल सूरीगढ़ा के नीरज कुमार, +2 हाई स्कूल की मनीषा कुमारी, हर्ष कुमार उत्क्रमित हाई स्कूल के पवन के सम्राट, +2 हाई स्कूल के कैदी स्वर्णिम सिंह एवं +2 हाई स्कूल के कैदी सिंहपुर की छात्रा सपना चंद्रवर्षी के साथ साथ अन्य जिलों के भी स्टूडेंट शामिल हुए थे। EVM विवाद में एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी बिहार सरकार। केंद्र और राज्य चुनाव आयोग में तकरार के बीच
4 अप्रैल का दिन खास। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन ईवीएम को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र की चुनाव आयोग इस मामले को लेकर अब आमने सामने हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार ने ईवीएम को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते हैं। बता दें कि ईवीएम विवाद हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की ठानी। विभाग जल्द ही करने जा रहा है कानून में संशोधन। बिहार सरकार बालू और पत्थर के खनन से जहां 1,000 करोड़ की भी राजस्व उगाही नहीं कर पाती है, वहीं इस धंधे में लगे अवैध कारोबारी 3 से 5 हजार करोड़ रुपए की सालाना रकम अपनी जेब में भर ले जा रहे हैं। शायद इसी कारण अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध खनन में शामिल वाहनों को विभाग जब्त करेगा और उसे नीलाम कर देगा। इस काम में खान एवं भूतत्व विभाग को पुलिस या परिवहन विभाग की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमरा ने गुरुवार को मीडिया को दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।